टू माई चैनल और मैं हूँ आपकी प्यारी रोजी। सो आज मैं आपके लिए फिर कुछ प्रोडक्ट लेके आई हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके गाइस, तो आज हम लोग क्या टॉपिक में बात करेंगे? बहुत लोगों ने मुझसे मॉइस्चराइजर के बारे में पूछा है, सो आज हम लोग आपको मॉइस्चराइजर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गुड न्यूज ये है, लॉकडाउन में भी आपकी चीजें ऑर्डर प्लेस हो रही है जो कि एसेंशियल चीजें हैं। जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो सकते, बट कुछ कुछ चीजें जैसे आपकी क्रीम, एसेंशियल बेबी ऑयल फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, मैं दो दिन पहले ये चीज ऑर्डर किया हूं तो मुझे आज रिसीव हुआ। सो आइए देखते हैं इसमें क्या है। फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा टाइट से पैकिंग करते हैं हम लोग को ताकि पैकिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या ऑर्डर में दिया है। ये देखिए, मुझे ये लैक्मी का पिच मिल्क क्रीम जो मैंने मंगवाया है, ये एक मॉइस्चराइजर है। और एक ये है देखिए, लैक्मी एब्सोल्यूट जेल क्रीम जो ऐसा पैकेजिंग में आया है, बहुत प्यारा पैकेजिंग है इसका। आउटलुक देखिए कितना सुंदर आ रहा है, मतलब डिजाइनिंग भी बहुत सुंदर से किया है इसके। ये देखिए ये कितना प्यारा आ रहा है, ये आपका क्रीम आ रहा है। और जो दूसरा ऑर्डर प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, ये देखिए कितना सुंदर मतलब बॉक्स में आया है, मुझे तो देख के अच्छा लगा। होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। और अभी मैं आपको इसका रिव्यू भी करके दिखाऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी यूज किया, सो अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सा जेल क्रीम है, जैसा ब्लू कलर का जेल आया है, बहुत प्यारा है। और अभी मैं आप लोगों को ये थोड़ी मेरे चीक पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है और बहुत आसानी से स्किन के साथ वो हो रहा है, बिल्कुल ऑयली नहीं है। और आप लोगों को अगर किसी को ड्राई स्किन है, काफी ड्राई है, हाइड्रेट नहीं रहते, तो आप लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर किसी का स्किन एकदम ड्राई है और आप नॉर्मल कॉम्बिनेशन भी है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं, मैं उनको ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही एडवाइज नहीं कर रही हूँ, आप ये मत यूज करो। आपके लिए मैं और टाइप का, अलग टाइप का बता रही हूँ। गाइज, मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगी जो सेकंड क्रीम है ना, लैक्मी पीच मिल्क क्रीम सॉफ्ट क्रीम। ये काफी बड़ा क्रीम है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि छोटा आएगा, नहीं, काफी बड़ा क्रीम है ये। तो इसका मतलब आपको बहुत टाइम तक इसका प्रॉब्लम्स आपको होने वाला नहीं है, पूरा एक साल भी चल जा सकता है अगर अच्छे से आप यूज करते हो। तो मैं आपको अभी ये खोल के दिखाऊंगी, बहुत टाइट पैकेजिंग रखा है। ये देखिए इसका निकला है, पिच की तरह ही है इसका कलर, ये मेरे हाथ पे है, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको इस चीक में लगा के दिखाती हूँ। आपको हमेशा ही सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में लगानी है कोई भी क्रीम लगा रहे हो। किसी को अगर कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है, ये ऑल स्किन टाइप में आपका हो सकता है, आप किसी भी टाइप के स्किन में ये मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। और ये 24 आवर ऐसे ही रहते हैं, मतलब क्रीम लगाने के बाद भी आप 24 आवर ऑफिस का काम करो, कहीं भी घूमो, ये ऐसे एज इट इज आपके रहते हैं, मॉइस्चराइजर पूरा ब्लॉक करके रखते हैं। ओके गाइस, सो हियर इज अनदर क्रीम, दैट इज पॉन्स कोल्ड क्रीम। आप लोग पूछोगे ये कोल्ड क्रीम तो हम लोग यूज कर रहे हैं तो आप क्यों दिखा रहे हो? मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि किसी किसी को मतलब ऑयली स्किन है वो ये प्रोडक्ट नहीं लगाए, लेकिन जिसका बहुत ज्यादा रफ हो जा रहा है स्किन, पूरा खिंचा खिंचा फटने जैसा हो रहा है, तो आप लोग ये क्रीम एज ए मॉर्निंग उठ के यूज कर सकते हो या रात के सोने के टाइम भी ये क्रीम आप लोग यूज कर सकते हो। मैं खुद इसको यूज करती हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, सो मुझे ये क्रीम काफी खिंचाव हो गया था मेरे फेस में, तो इसको लगाने की वजह से मेरी काफी हद तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है। और अगर आपके फेस में कोई भी घमोर या रैशेस हो रहा है तो आप ये क्रीम यूज कर सकते हो। ओके गाइस, सो ये थे आज के हमारे ऑल स्किन टाइप जो मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं, तो मैं भी यूज करती हूँ पर्सनली, आप देख सकते हो मेरा स्किन काफी अच्छा है।
मतलब तो आप लोग भी लगाइए, अच्छा होगा। सो आज के लिए इतना ही, आप लोग मुझे बताइए कि कैसा लगा ये क्रीम आपको यूज करके, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।